नवाब साहब और 10 मटकों की कहानी। एक बार की बात है, लखनऊ शहर में एक नवाब साहब रहते थे और नवाब साहब अपने गुस्से के लिए बहुत मशहूर थे, क्योंकि उन्हें जब गुस्सा आता था तो वो गुस्से में किसी की नहीं सुनते थे और कई बार बहुत गलत फैसले ले लिया करते थे। और नवाब साहब को बेशकीमती चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक बार वो बहुत दूर के देश से 10 बेशकीमती मटके लेके आए और उन मटकों को अपनी अलमारी में रखकर उन मटकों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते थे। एक दिन उनका एक मटका सैनिक के हाथों से लगकर टूट गया। क्या रे सैनिक, तुमने मेरा बेशकीमती मटका तोड़ दिया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो, कल सुबह होते होते इसको फांसी की सजा दे देना। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जानबूझकर आपका नुकसान नहीं किया मालिक, वो मेरे घर से खबर आई थी कि। खामोश, मुझे एक भी लफ्ज नहीं सुनना। एक तो मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से बातें बताते हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे और कल सुबह होने से पहले इसको फांसी की सजा दे देना। मालिक, मालिक, ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। अभी नवाब साहब अपना मटका टूट जाने की वजह से बहुत गुस्से में टहल ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक बाबा जी आए। नवाब साहब, मैंने सुना है एक सैनिक ने आपका मटका तोड़ दिया और आपने उसको फांसी की सजा दे दी। हाँ, मैंने उसको फांसी की सजा दे दी। नवाब साहब, आप परेशान मत होइए, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और मैं आपके मटके को अभी तुरंत जोड़ दूंगा। सच में बाबा जी, आप मेरा मटका जोड़ सकते हो क्या वापस? हाँ नवाब साहब, मैं अभी तुरंत जोड़ देता हूँ। ऐसा कह के वो बाबा जी उन 9 मटकों के पास आए और एक एक करके उन्हें अपने हाथों से तोड़ने लगे। अरे अरे अरे, रुको बाबा जी, क्या कर रहे हो, मेरे मटकों को क्यों तोड़ रहे हो, रुको रुको रुको। जब तक नवाब साहब कुछ समझ पाते, बाबा जी ने सारे मटके तोड़ दिए। अरे बाबा, पागल हो गए हो क्या, मेरे सारे मटके तोड़ डाले। नवाब साहब, मैं जानता हूँ आप मुझे उस सैनिक की तरह फांसी की सजा दे देंगे, पर मुझे मंजूर है। ये क्या कह रहे हैं? नवाब साहब, मैं जानता हूँ आपको आपका मटका बहुत अजीज था और उसको टूट जाने का आपको बहुत दुख हुआ और आपने गुस्से में आके उस बेचारे सैनिक को फांसी की सजा सुना दी, तो मैंने आपके बचे हुए 9 मटकों को भी तोड़ दिया ताकि फिर किसी बेगुनाह से ऐसी गलती ना हो और खामखां उसको अपनी जान ना खोनी पड़े। मैं समझूंगा मेरा जीवन शायद इसी काम आ गया कि मैंने 9 बेगुनाह लोगों की जान बचा ली। तब नवाब साहब को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने उन बाबा जी से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं चीजों और सामान के मोह में आके एकदम बहक गया था। मैंने सीख लिया कि गलती तो इंसानों से ही होती है और हमें उन गलतियों को माफ करके अपने इंसान होने का सबूत देना चाहिए।